वेरी फ्रेश डे, फ्रेश वीडियो। आज कितवा दिन है वो भी मैं भूल गया हूँ। 28, 29, 30, 1, 2, 3rd है, कल हमारी फ्लाइट है। तो इतने दिन हो गए, काफ़ी लंबा टूर रहा, अच्छा लगा। सब कुछ जो देखने मिला बहुत ही अलग था, बहुत अच्छा लगा। तो ये है यहाँ का व्यू, और अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर सामने ही दार्जिलिंग में एक ग्रैनरी बोल के एक रेस्टोरेंट है, विच इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बेकरी, सब कुछ है वहाँ पे। हम सोच रहे थे वहाँ कल जाए, बट इतनी लंबी लाइन थी वहाँ पे, कुछ अराउंड आधा घंटा लग जाएगा बोला था, तो इसके लिए हम जा नहीं पाए। वाइब मिल जाएगा वहाँ पे, बट अदरवाइज दार्जिलिंग में कल पूरा घूमा, मैंने एक भी फोटो नहीं निकाला, एक भी वीडियो नहीं निकाला मॉल रोड, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत क्राउडेड है एंड क्लीन बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रीट्स, और सारी जगह कचरा है सब, एंड बहुत स्टिंग करता है, एंड आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाके अपना खाना खा लिया, डिनर खा लिया और रूम में आ गए, बिकॉज यहाँ पे 9, 9:30 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। ड्राइवर जी ने बोला है, हर्षद जो है, तो उन्होंने बोला है कि 3-4 चीज़ आज करना है इंडिया नेपाल बॉर्डर, जहाँ पे एक पैर आपका नेपाल में रहेगा, एक पैर इंडिया में रहेगा, उस तरह का एक्सपीरियंस आज करना है। वहाँ पे उनका लोकल मार्केट है, वहीं पर जाना है। फाइनल एक चीज़ बोला था टी गार्डन, तो ये सारा कुछ करना है, बट आई डोंट थिंक हम लोग टाइम पर है। तो अभी टाइम क्या हो गया, बैठ 9:00 ऑलरेडी हो गया, तो आई डोंट नो कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करें आज के दिन को, क्या कुछ करें इम्पोर्टेंट चीज़ देख के, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्लेनरी रेस्टोरेंट जाना चाहिए, वहाँ पे वाइब अच्छा है, पॉजिटिव है, वहाँ पर शूट करने में मिल जाएगा। फिर ये पहाड़ है, लेक और ये सारा तो हमने देखा ही है, तो आई डोंट नो कि वो करना है या कुछ और करना। चलो देखते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो बाय। तो लेंसकार्ट से मैंने एक शेड लिया था बहुत टाइम पहले, बट कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा फंकी लग रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था, अपने एज को सूट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझ पे जा रहा है, आज आप मुझे इसमें ही देखोगे। सही लग रहा ना, क्या नहीं लग रहा है। तो ये हम अभी एक ग्लेनरी में घुस रहे हैं, पूरा रेस्टोरेंट का वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ है। हम लोग अभी वहाँ पर बैठे थे, सो स्वीट ऑफ द वेटर, शी टोल्ड अस कि आप लोग यहाँ के बैठ जाओ, तो वो लोग उठ ही रहे हैं, तो उसने टेबल पकड़ा और हम लोग आके बैठ गए। तो बेसिकली ये ओवर क्राउडेड रहता है, लाइन रहता है, इस तरह बेस्ट व्यू मिल गया हमको। तो हो गया अपना यहाँ पर खा के, जस्ट बेकरी में चेक करना है कि क्या क्या आइटम्स हैं इनके पास। पाउंड केक, एक्चुअली हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट के लिए 1 घंटा लगेगा, बट 1 घंटा से ज़्यादा ही लग गया। अभी अराउंड 11:00 हो रहे हैं, तो वी आर वेरी लेट। अभी यहाँ से कितने बजे निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कुछ पता नहीं। पर ब्रेकफास्ट अच्छा हो गया, थोड़ा फोटोज़ भी निकाल लिया, थोड़ा अच्छा वीडियो भी आ गया, तो आई एम हैप्पी सेटिस्फाइड, एंड स्टमक इज़ ऑल्सो हैप्पी सेटिस्फाइड। लेट्स गो। तो अभी हम थोड़ी देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, जो रास्ते में ही पड़ता है, तो पाइन फॉरेस्ट, छोटी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज़ है, तो वहाँ पे फोटोज़ अच्छे आएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि वहाँ रुक के अपना फ़ोटो ले लें, और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे इंडो नेपाल बॉर्डर के लिए, जो एक आइकॉनिक जगह है। वापस उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वही आज हम लोग बहुत लेट निकले थे, इसीलिए सब कुछ लेट ही चल रहा है, कोई टूरिस्ट रस्ते में दिख नहीं रहा है।
सब लोग पैसे ही निकल गए और हम लोग सबसे लेट। तो अभी ये जो दिख रहे हैं सारे घर आपको, ये जो दृश्य, ये सारा नेपाल है। मुझे ऐसा दिखाने के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट यही हकीकत है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये नेपाल है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये इंडिया है। तो ये नेपाल, ये इंडिया। तो अभी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो ये है पशुपति फाटक जहाँ पर हम आए हैं, ये इंडो नेपाल बॉर्डर है। तो यहाँ पर शूट करने के लिए मिलेगा नहीं, बट अंदर नेपाल के अंदर शूट करने को मिलेगा। मार्केट है जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो वो नेपाल में पड़ता है। तो वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें खरीदनी हैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स, कपड़े, सोवेनियर, तो ये सारा चीज़ का एक छोटा सा मार्केट है। बट वहाँ पर जाने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, और वहाँ पर एक अलग गाड़ी होती है, शेयरिंग गाड़ी, जिसमें बैठकर आपको जाना पड़ता है। तो शेयरिंग गाड़ी का कॉस्ट है 300 रुपीज़ पर हेड। 300 रुपीज़ पर हेड? नहीं, हाँ 300 रुपये दो जन का। तो वहाँ पर हम लोग एंट्री करा के अंदर चले जाएंगे। 600 भी है तो 600 रुपये का आपको दूसरे कंट्री में जाने मिल रहा है ना, कोई और कंट्री में जा सकते हैं 600 रुपये में। बहुत ही दिमाग वाला बात बोला मेरा वाइफ ने, सो शाबाशी। अंदर जा रहे हैं नेपाल के अंदर, तो बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री, वो भी नेपाल, राइट, वो भी बिना पासपोर्ट और 300 रुपये है। अभी बेटे ने ट्राई किया हुआ है तो एयरफोर्स 1 नाइकी का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है, बॉटल ग्रीन। चलो देख सकते हो, ये भी बहुत ही सुपर्ब कलर है। तो ये कुछ अराउंड 2800 का बोला है। कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्यूट है, और मैंने देखा भी है बहुत लोगों के पैरों में, तो अच्छा लगता है। तो शूज़ तो अच्छे अच्छे थे, बट उतना मज़ा नहीं आया, कंफर्ट उतना नहीं था, और लगा कि और भी देखते हैं अगर कुछ मिला तो। सब्सक्राइब टू माय चैनल। ए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजोक है। सोन? संजोक। संजोक फ्रॉम नेपाल। Yes. चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हमारा भी ऑटोग्राफ ले लिया। तुम्हारा नाम क्या है? सोलोमन। तुम्हारा नाम क्या है? सोलोमन। तो अभी हम लोग रुक रहे हैं टी गार्डन में, और टी गार्डन से अच्छे अच्छे फोटोज लेने हैं।